हाय एवरीवन, सो ईपीएफ एंड ईपीएफसी का एग्जाम अब आपने दे दिया है एंड ओवरऑल देखा जाए तो एग्जाम वाज काइंड ऑफ टफ, राइट? सो टफ था, वो सबके लिए टफ था, बट यू शुड नाउ मूव ऑन एंड जो आने वाले आपके एग्जाम्स हैं उन पर फोकस करना चाहिए आपको. सो जैसे कि एग्ज़ाम है ईपीएफ ओ एसएसए, देखो ये एग्ज़ाम की अभी तक डेट आई नहीं है, ठीक है? इसका जो एक्सपेक्टेड टाइम है जब ये डेट रिलीज होगी वो इसी मंथ में आ जाएगी एंड हो सकता है आपका एग्ज़ाम जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त की स्टार्टिंग में हो. सो यू डोंट हैव मच टाइम, 20 से 25 दिन का ही टाइम है आपके पास. एंड अभी तक क्योंकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं हुई है, एडमिट कार्ड भी नहीं आया, सो एडमिट कार्ड मोस्टली 10 डेज पहले आएगा आपके. सो उसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसकी प्रिपरेशन करने के लिए. एंड देखो ये एग्ज़ाम आपका पहले कंडक्ट हुआ था, होता था लास्ट ईयर तक आईबीपीएस के द्वारा, बट दिस ईयर इट विल बी कंडक्टेड बाय एनटीए. सो हल्का सा एग्ज़ाम पैटर्न चेंज है एंड ये भी है कि इसका मेन्स एग्ज़ाम जैसे ही हो जाएगा सो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी. इसमें इंटरव्यू वगैरह का सीन नहीं है, मेन्स के बाद ही आपकी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि यू विल बी कंसिडर्ड फॉर द ट्रेनिंग वन. एग्जाम डेट्स अभी रिलीज नहीं हुई है बट एक्सपेक्टेड है कि जुलाई लास्ट वीक या अगस्त स्टार्टिंग में आपका एग्जाम होगा, तो आपको उसी हिसाब से करना है. देखो यहाँ पर वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में. देखो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही 999 सीट्स हैं, तो काफ़ी बड़ा नंबर है एंड जो वैकेंसीज ईपीएफओ एंड एपीएफसी में थी उससे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा चांस है कि आप प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, सो यू विल मेक थ्रू इट, ठीक है? EWS में 529 सीट्स हैं, OBC में 514, SC में 359 एंड ST में 273. टोटल यू हैव 2674 सीट्स, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है, काफ़ी अच्छा नंबर है एंड यहाँ पर आपको इसकी ज़रूर प्रिपरेशन करनी चाहिए. ज़्यादा लोगों को इस एग्ज़ाम के बारे में पता भी नहीं होता एंड अगर आप इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं लास्ट के 20-25 दिन में, सो बहुत अच्छे से आप इसको क्रैक कर सकते हैं. कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं अभी आपको गाइड करूँगी पहले, बट उससे इम्पॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लें. सो एग्ज़ाम पैटर्न ऐसे है कि 2.5 आवर्स का ही आपका एग्ज़ाम होगा. इसमें टोटल 600 मार्क्स होंगे एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे, ईच इज फॉर 4 मार्क्स. 600 मार्क्स का आपका पेपर होगा. इसमें आता क्या क्या है, एक तो जनरल एप्टीट्यूड आएगा, बिल्कुल बेसिक एप्टीट्यूड आता है इसमें, 30 क्वेश्चंस एंड 120 मार्क्स. जीके या फिर जनरल अवेयरनेस आती है उसके बाद, इसमें स्टैटिक जीके इंक्लूड होगी, 30 क्वेश्चंस 120 मार्क्स के लिए. उसके बाद तुम्हारे पास है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो रीजनिंग वाला पोर्शन होता है जो तुमने ईपीएफओ के लिए भी पढ़ा था, सो उसमें भी 30 क्वेश्चंस आएंगे एंड 120 मार्क्स अगेन. जनरल इंग्लिश आएगी विद कॉम्प्रीहेंशन. अब देखो इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है 50 क्वेश्चंस, इसमें से जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसी के कम से कम 15 क्वेश्चंस से 20 क्वेश्चंस आते हैं. सो इंग्लिश की बहुत बड़ी वेटेज है एंड तुम्हें जो अपनी प्रिपरेशन ईपीएफओ एंड एपीएफसी में की थी उसे कंटिन्यू रखना चाहिए इंग्लिश के लिए. बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक्स हैं तो उसी को प्रिपेयर करेंगे आगे भी हम चल के. सो 200 मार्क्स तो आप देख लो इंग्लिश से ही बन जाते हैं, मतलब कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम खुद सोच सकते हो इंग्लिश का. इन तीनों को भी कंबाइन करो तब भी आप देखोगे कि इंग्लिश हैज़ अ वेरी ग्रेटर रोल, ठीक है? यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? वो भी हो सकता है कि कुछ बने कुछ नहीं, बट इंग्लिश प्रिपेयर की होगी तो वो ज़रूर बन जाएगी. उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी है, कंप्यूटर आएगा तो मैं 10 क्वेश्चंस ही आएंगे 40 मार्क्स के लिए. अब देखो ये 10 क्वेश्चंस तो तुम्हें बना लेने चाहिए, तुमने ईपीएफओ एपीएफसी के लिए भी कंप्यूटर पढ़ा था एंड जितना वहाँ पढ़ा था उतना सफिशियंट है, वही 10 क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं यहाँ पर भी 40 मार्क्स के लिए एंड टोटल तुम्हारे क्वेश्चंस हैं 150, ठीक है? सो इससे तुम देख सकते हो कि एग्जाम पैटर्न तुम्हें बता दिया, यहाँ पर इंग्लिश की वेटेज बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश पर बहुत अच्छे से तुम्हें फोकस करना होगा. 200 मार्क्स तो कम से कम 600 में से तुम्हारे इसी में से बन रहे हैं, इंग्लिश में से विद कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है? सो देखो इसको प्रिपेयर के लिए यही करेंगे कि ज़्यादा आपको अपने साइड से टेस्ट में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? जीके जनरल अवेयरनेस को प्रिपेयर करना है, एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करो, इंग्लिश की तो मैं तुम्हें करवा ही दूंगी, ठीक है? इंग्लिश की कोई टेंशन नहीं है, कंप्यूटर हो जाएगा तुम्हारा, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी हम ले आएंगे वीडियोस. सो जो रेलिवेंट है सिर्फ उतना पढ़ो, ठीक है? कम पढ़ना है, ओनली उतना पढ़ना है, क्रिस्प पढ़ना है जितना इस एग्जाम में रेलिवेंट है, ठीक है? इसके पीवाईक्यू उसको एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है? कितना पढ़ना है इसके लिए बस उतना करो, ज़्यादा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है. तुमने अभी अभी ईपीएफओ एंड एपीएफसी भी दिए और जो नहीं भी दिए जो इस एग्जाम के लिए कर रहे हैं या फिर तीनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो सिर्फ क्रिस्प कंटेंट पढ़ो, जितना रेलिवेंट है उतना पढ़ो, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. जिससे सबसे अच्छा जैसे देखो यहाँ पर इंग्लिश स्कोरिंग है, ठीक है? इंग्लिश को पढ़ो, क्वांट अगर तुम्हें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है सो
बेसिक पढ़ लो उसका, इतनी हाई लेवल तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। इंग्लिश पे फोकस करो, कंप्यूटर से मार्क्स अपने पक्के करो, ठीक है। यहीं से तुम्हारे 200-300 नंबर बन जाएंगे। साथ में इसके जनरल अवेयरनेस करो एंड जनरल एप्टीट्यूड करो, आराम से तुम्हारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। इसकी सारी गाइडेंस मैं तुम्हें दूंगी, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, क्या क्या पढ़ना है एग्जैक्टली, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनको पढ़ेंगे हम, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब जैसे तुमने देखा था कि इंग्लिश के लिए काफ़ी रेलिवेंट जो वीडियोस थी मैं लेकर आई थी, अब इस एग्जाम में एक्स्ट्रा ये कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वो आपकी ईपीएफओ एपीएफसी में नहीं था। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टेंशन नहीं लेनी है, 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, वो मैं तुम्हें करवा दूंगी, ठीक है। मैं तुम्हें सॉल्व करवाना सिखा दूंगी, बट ओनली ऑन वन कंडीशन, अगर आप मुझे कॉमेंट करके बताओगे कि क्या आपको इसकी वीडियोज़ चाहिए या नहीं। अगर आपको चाहिए तो हम अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज कोई और वीडियोस आ जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि इस एग्जाम पर ना करें, हम कुछ और करें, तो वो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। एग्जैक्टली जैसा आप चाहते हो हम वैसे करें, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कोई और एग्जाम के लिए करें, अभी क्या होगा कि हम आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क की एग्जामिनेशन की तैयारी भी साथ साथ कर रहे होंगे, वो तुम्हें छोड़नी नहीं है, वो तुम्हें करनी है, क्योंकि क्लर्क का एग्जाम सेप्टेम्बर एंड में एंड जो तुम्हारा पीओ का एग्जाम है वो नवम्बर एंड तक होगा, ठीक है। और उसमें जो सिलेबस आते हैं वो थोड़ा फास्ट है, उसके लिए ज़्यादा टाइम है तुम्हारे पास, बट प्रिपेयर करते रहना साथ साथ में। और ये जो एग्ज़ाम आ रहा है उसको तुम इन 20 दिनों में अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, बस वीडियोस देखते चलो। मेन अपना फोकस इस पर रखो जो बच्चे कर रहे हैं, एंड बाकी तुम में से काफ़ी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए भी कर रहे हैं, तो जो वीडियोस तुम्हें चाहिए वो बता देना, वो बन जाएंगी, ठीक है। कंटिन्यू रखो, और इंग्लिश के लिए अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश की वीडियोज़ कंटिन्यू रहें एसएससी एग्ज़ाम के लिए, एंड आईबीपीएस पीओ के लिए भी अगर आप चाहते हो, एंड क्लर्क एग्ज़ाम के लिए भी इंग्लिश चाहते हो, कि इंग्लिश में दिक्कत आ रही है। और क्योंकि यूट्यूब पे आप देखोगे, यूट्यूब पे जो वीडियोज़ है ना वो 40 से 2-2 घंटे आवर्स की हैं। देखो इतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारे पास 20 से 25 दिन भी हैं, तो अगर तुम लगभग अपने 10 घंटे वीडियोस पर ही दे दिया करोगे हर दिन के, तो तुम्हारे को प्रिपेयर करने को, रिवाइज करने को टाइम नहीं मिलेगा। तुम्हें चाहिए क्रिस्प कंटेंट, तुम्हें चाहिए ऐसा शॉर्ट कंटेंट जो रेलेवेंट हो एंड टू द पॉइंट हो। टू द पॉइंट कंटेंट के लिए तुम्हें एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है, ठीक है, जिसमें हमें पता है कि हमें ये पढ़ना है, बस ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और फिर उसके बाद लास्ट 2-3 डेज रिविजन के लिए रखने हैं, एंड बस उन्हें शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लेना है। हमने लास्ट एग्जाम में भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, एंड इस एग्जाम में भी यही होगा कि जो रेलेवेंट है इस एग्जाम से रिलेटेड उसको पढ़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है, ठीक है। एंड जो अपनी प्रिपरेशन है उसको अभी से स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पर इंग्लिश में ना बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपको, मैं सही में बता रही हूँ, इंग्लिश में इतने 200 मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोर कर लेते हो ना, मार्क्स यहाँ खींच लेते हो, तो बाकी सेक्शंस लाइट भी करो ना, तो तुम्हारा काम चल जाएगा। इसलिए कह रही हूँ कि इंग्लिश को अपनी स्ट्रॉन्ग करो, जिन बच्चों की स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, क्योंकि यार वहाँ पर जाकर कन्फ्यूज़ हो जाओगे फिर इंग्लिश में। इंग्लिश भी थोड़ी अच्छे लेवल की आएगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल बच्चे वाले क्वेश्चन आते हैं, आते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं आते, थोड़ा सा तुम्हें रेलेवेंसी पता होनी चाहिए। अभी जैसे मैं पीवाईक्यू उसको सॉल्व करवाऊंगी, या फिर और क्वेश्चंस वीडियोस लाऊंगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करना है ये सब वीडियोस लाऊंगी। अगर तुम कहोगे यार देखो मैं तभी लेकर आ पाऊंगी, अगर तुम कमेंट में मुझे बताओगे, ठीक है। अगर तुम अपनी डिमांड शो करोगे कि हाँ जी मैम आप ले आइए, तो मैं इस पर मेहनत करूंगी, अदरवाइज मैं मूव ऑन कर जाऊंगी एंड दूसरे एग्जाम्स पर फोकस करूंगी, ठीक है। देखो तुम्हें भी पता है कि यूट्यूब पर इस टाइम पे कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, कंटेंट इज़ वेरी लेस, ठीक है। एंड जो भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो बहुत डिफरेंट ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं जिसका नो रेलेवेंस है, ठीक है। बिल्कुल ही एक्सट्रीम, बस अपनी वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए, 1 से 1.5 घंटे के सेशंस करने के लिए, लाइव सेशंस करने के लिए वो लोग इररेलीवेंट कंटेंट बनाते हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट आपको भी पता है कि कंटेंट बहुत इररेलीवेंट होता है यूट्यूब पर, जो बड़े सेशंस होते हैं, अच्छे सेशंस भी होते हैं, बट मोस्टली ये होता है कि लेंथ बढ़ाने के लिए, अपने कोर्सेज की प्रमोशन करने के लिए यहाँ पर वीडियो को बनाया जाता है इस प्रकार से। और तुम्हारे पास क्योंकि दिन कम है, 30 दिन भी नहीं है अगर तुम मान के चलो, और उसमें तुम्हें बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है, तुम्हें एक्चुअल में सीखने की हाँ मार्क्स कैसे गेन करने, सो प्लीज़ फॉलो गुड कॉन्टेंट ओनली। इस टाइम पे यूट्यूब देखो, बट सिर्फ गुड कंटेंट देखो, कुछ ऐसे टीचर्स पर बस बिलीव रखो कि मुझे ये सब्जेक्ट इस टीचर से करना है, ये चैनल से पढ़ना है, ठीक है। इनका जो बेस्ट कंटेंट आपको लगता है, अगर इंग्लिश में आपको लगता है कि हमारा कंटेंट बेस्ट है, तो बस उस पर स्टिक कर जाओ, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बिलीव रखो। ईपीएफओ में भी करवाया था, इसमें भी करवाया जाएगा एसएससी में। और अगर आपको लगता है कि मैथ्स के लिए कोई और चैनल चाहिए, हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, ठीक है, सो वहाँ पर फोकस करो, बट डोंट वेस्ट योर टाइम, देयर इज़ नो टाइम टू बी वेस्टेड। एंड ये आप ही ध्यान रख सकते हो अपनी चीज़ों का, एंड कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है
तो प्लीज कमेंट कर देना, अगर आप कमेंट नहीं करोगे, मैंने अगेन आई एम रिपीटिंग कि वीडियोस विल नॉट गेट लॉन्च्ड, जिस भी एग्जाम की चाहिए उसी की बनेंगी जिस पे हाई डिमांड होगी। मैं पहले भी बोल दूँ कि जब तक तुम अपनी डिमांड शो नहीं करोगे तब तक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक दोज वीडियोज, क्योंकि बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है इन वीडियोज को बनाने के लिए, कॉन्टेंट ढूंढने के लिए, फिर उसे यहाँ पर तुम्हारे सामने प्रेजेंट करने के लिए। सो प्लीज़ अपने सजेशंस दे देना इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे कमेंट्स में, एंड तभी मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस ला पाऊंगी, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।